स्लाइड नजर आ रही है? नो सर, स्लाइड नहीं नजर आ रही? सर आ गई है सर। बात खत्म की थी इस पे नॉट रूल पे, तो ये बस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जब भी आपने रूल लगाना है इस पे, पी ए और बी, तब होगा पी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी। और जब भी पी ए एंड बी होगा तो पी ऑफ ए मल्टीप्लाई आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, जब भी यहां पे एंड आएगा। और जब भी पी ऑफ ए डज नॉट अकर निकालना, वन माइनस पी ऑफ ए करोगे, ठीक है, वो नॉट रूल में। क्या कर रहे थे आप? जब भी आप निकालोगे पी ए डज नॉट अकर, ए डज नॉट अकर, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा वन माइनस पी ऑफ ए, यानी कि चांस ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज वन माइनस चांस ऑफ इवेंट इट इज हैपनिंग। अच्छा, अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पे आपको एंड और रूल कंबाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चांस ऑफ रोलिंग टू फेयर डाइस एंड गेटिंग अ टू एंड अ फाइव, ठीक है, कि दो डाइस को आप रोल कर रहे हो और आपका क्या चांस है कि आपको टू और फाइव दोनों मिले। दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि यहां पे टू हो और यहां पे फाइव हो एक डाइस में, या और ये इस तरह भी तो हो सकता है कि यहां पे फाइव आए और यहां पे टू आए, ठीक है। तो यानी कि आपको चाहिए क्या, टू एंड फाइव चाहिए या फाइव एंड टू, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब यहां पे देखो और रूल और एंड रूल कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि टू एंड फाइव या फाइव एंड टू, देर आर टू पॉसिबिलिटीज टू अकॉम्प्लिश दिस, कि टू भी मिले और फाइव भी मिले, या टू एक डाइस पे आए और दूसरी दफा फाइव आए, या पहली दफा फाइव आए और दूसरी दफा टू आए। आपको चाहिए क्या कि चांस आपने बताना है कि जब आप दो फेयर डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है, आपको टू और फाइव मिले। अब ये नहीं उसने बताया कि पहले पे टू आए दूसरे पे फाइव आए, या पहले पे फाइव आए या दूसरे पे टू आए। आपको चाहिए क्या, टू एंड फाइव या फाइव एंड टू, ठीक है, ये दो सिचुएशंस है, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पहली सिचुएशन है, टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भैया 1/6 1/6 आगे एंड एंड है ना, प्लस एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर, फाइव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मल्टीप्लाई 1/6, तो क्या होगी, 1/6 1/36। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/36। सिक्स अब या तो ये आएगा या ये आएगा, जो मर्जी आए, हमें मतलब टू और फाइव चाहिए, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। तो अब यहाँ इन दोनों के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, और का, यानी 1/36 ये वाला, अब प्लस करूंगा और रूल लगाऊंगा, प्लस 1/36 ये वाला, तो मेरे पास आंसर आएगा 2/36 1/18। अब मैंने क्या किया, एंड और रूल की कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है, एंड और रूल यहाँ पे कंबाइन करके लगेंगे। ये चीज समझ आई है या नहीं आई है बताओ। बोलो, यस सर आ गई है ठीक है, कि अब टू और फाइव भी आ सकता है, फाइव और टू भी आ सकता है। अब टू एंड फाइव, फाइव एंड टू, यहाँ पे पहले आपका एंड रूल लगेगा और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आएगी, जो मर्जी सिचुएशन है,
आपने पहले एंड रूल लगाना है और उसके बाद जब एंड रूल से रिजल्ट आ जाएगा उन दोनों रिजल्ट्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि और रूल लगेगा उसमें। तो ये चीज समझ के और रूल लगेगा पेपर में, चीज ये समझ करनी है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। अब न्यूमेरिकल पे आता हूँ, कम्बिनेशन कंबाइन करके रूल्स की न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 ऑन टू फेयर डाइस। कि 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 7 आने की सिचुएशन एक साइड पे बना लो, एक टेबल में लिख लो। जैसे सिचुएशन 1 ये है कि पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए तो 7 हो गया, फिर 2 आए और 5 आए, 2 एंड 5 7 हो गया। सिमिलरली 3 आए और 4 आए, 7 हो गया। 4-3 भी आ सकता है, 5-2 भी आ सकता है, 6-1 भी आ सकता है। उसने कहा 7 है, उसने ये नहीं बताया कि कौन सी अरेंजमेंट हो। तो इन दो में कौन सा रूल लगेगा, 1 और 6 में? एंड रूल लगेगा ना यहाँ पर, एंड यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे भी एंड। तो जब एंड रूल लगाया तो 1/36 एक्सप्लेन करने की जरूरत है, 1/36 कैसे आया? नो सर, ठीक है। इसका भी 136, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका क्या आ गया 1/36। अब कोई एक सिचुएशन हमें चाहिए ना, कि हमें सम चाहिए 7 का। अब वो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि और रूल लगेगा। अब इन सब रिजल्ट्स को आपस में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सिचुएशन चाहिए 7 सम की, वो किसी भी एक तरीके से आ सकती है। वो 1/1+6 से भी आ सकती है, और 2 और 2 एंड 5 से भी आ सकती है, और 3 और 3 एंड 4 से भी आ सकती है, और 4 एंड 3 से भी आ सकती है, और 5 एंड 2 से भी आ सकती है, और 6 एंड 1 से भी आ सकती है, ठीक है। इनमें से कोई एक इवेंट ने होना है, तो ये कोई मतलब हमें नहीं चाहिए कि किससे वो। उसने सिर्फ कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। तो आप पहले इंडिविजुअली लिख लोगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जो 7 का सम दे सकती है, 1/6, 2/5, देन 3/4, 4/3, 5/2, 6/1। अब इन सब की अलग अलग आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी दोनों को, 1/6 + 1/6 × 1/6 × 1/36। सिमिलरली इसकी, 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 और एंड पे सब रिजल्ट्स को आप जब ऐड करोगे, क्योंकि और सिचुएशन लगेगी, ये भी हो सकता है, और दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, और में क्या करते हो आप, सम करते हो। तो 1/36 + 1/36 + 1/36, इन सबको सम करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 6/36। और जब ये आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ गया 1/6। इसमें, इस क्वेश्चन में कोई मसला हो? नो सर। किसी और को कोई इशू है तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन ये कम्बिनेशन का, इसको जरा देखना समझना, सिंपल ही है वैसे ही है। वो कहता है कि एक फैमिली में मेल और फीमेल की रेशो जो है वो 3 चिल्ड्रन है एक फैमिली में। अब क्या 3-3 चिल्ड्रन है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉयज होंगे और 1 गर्ल होगी। 3 चिल्ड्रन है तो 3 कम्बिनेशन जो है वो उसने सारे लिख लिए, जो रिक्वायर्ड है वो भी लिख लिए, जो नहीं रिक्वायर्ड वो भी लिख लिए। 3 चिल्ड्रन में से ये भी तो पॉसिबिलिटी है तीनों बॉयज हो। इसको जरा समझ लेना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों चिल्ड्रन, जो तीनों चाइल्ड है वो क्या है, बॉयज। एक पॉसिबिलिटी है तीनों गर्ल्स। एक ये है कि बॉय बॉय गर्ल, एक ये है कि बॉय गर्ल एंड बॉय, चाइल्ड 1 बॉय है, चाइल्ड 2 गर्ल है, चाइल्ड 3 बॉय है। एक ये है कि चाइल्ड 1 बॉय है, चाइल्ड 2 गर्ल है, चाइल्ड 3 गर्ल। तो ये टोटल बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउटकम्स बनती है, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड अ गर्ल। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें 2 बॉयज और 1 गर्ल आ रही है, वो ये 3 कंडीशन है जो हाईलाइट हुए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड अ गर्ल इन अ फैमिली। सो 2 बॉयज वाली एक ये है,
एक ये और एक ये, तो टोटल कितनी होगी मेरे पास, तीन, यानी तीन कम्बिनेशन हो सकते हैं मेरे पास। या पहला कम्बिनेशन ये हो सकता है कि चाइल्ड वन बॉय है, चाइल्ड टू बॉय है और चाइल्ड थ्री गर्ल है। दूसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है कि चाइल्ड वन बॉय है, चाइल्ड टू गर्ल है और चाइल्ड थ्री बॉय है। और तीसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है कि चाइल्ड वन गर्ल है, चाइल्ड टू बॉय है और चाइल्ड थ्री बॉय है। बाकी मेरी कंडीशंस को मीट नहीं करता, क्योंकि मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टू बॉयज एंड अ गर्ल की निकालनी है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। अब देखो इसकी कि चाइल्ड वन बॉय होगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, चाइल्ड वन बॉय होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चाइल्ड वन बॉय हो, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? वन बाय टू, क्योंकि बॉय या गर्ल में से होगा ना, तीसरी हम तो डिस्कस नहीं कर रहे ना, उसको इग्नोर कर दो, या बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है, तो वन बाय टू, ठीक है, इग्नोरिंग द ट्रांसजेंडर, ठीक है, वन डिवाइडेड बाय टू, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन डिवाइडेड बाय टू, और इसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन डिवाइडेड बाय टू। अब हमें क्या चाहिए, टू बॉयज एंड अ गर्ल, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंड रूल लगेगा। तो एंड रूल में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले इस केस की वन डिवाइडेड बाय एट, इसकी भी, इसकी वन डिवाइडेड बाय एट, इसकी भी कितनी होगी, वन डिवाइडेड बाय एट, इसकी भी कितनी होगी, वन डिवाइडेड बाय एट। अब इन तीनों केसेस में से कोई एक केस हो सकता है, दिस केस और दिस वन और दिस वन, तो इन तीनों रिजल्ट्स को और के केस में मैं क्या कर दूंगा, तीनों को एड अप कर दूंगा, एड कर देंगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थ्री डिवाइडेड बाय एट, ये नीचे हुआ है। चीज मैंने इंडिविजुअली बताई है, ये यहाँ पे हुई है। मेरा केस जो था वो क्या था, ये बॉय बॉय गर्ल और बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय बॉय, तीन केसेस बन सकते थे। इसके लिए मैंने क्या रूल लगाया यहाँ पे, एंड रूल, इसके लिए एंड, इसके लिए एंड, और तीनों में से कोई एक केस चाहिए तो और रूल लगेगा। सो वन बाय एट प्लस वन बाय एट प्लस वन बाय एट, आंसर क्या आ गया, थ्री डिवाइडेड बाय एट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रजिस्टर या कॉपी पेंसिल पास रख लो, मुझे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके बताओ, फिर लेक्चर खत्म है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू गर्ल्स एंड वन बॉय। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू गर्ल्स एंड, सेम ही है, हाँ जी, सेम होगी, ठीक है, वो भी सेम होगा, यस सर, क्योंकि वो भी तीन ही बनते हैं केसेस, और उसमें भी वन बाय टू है। अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी सर थ्री बॉयज, तब क्या होगा सर, फिर सिर्फ ओनली थ्री बॉयज होगा, एक ही होगा सर, वन बाय टू सर, आई थिंक जब है ही बॉयज, बॉयज क्या है, तीन है, मैं कह रहा हूँ थ्री हो जाएगा सर, सारी ये वन बाय फिर तीनों बॉयज के लिए वन बाय 27 हो जाएगा, नहीं तीनों बॉयज होंगे तो ये देखो ना, उसने क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री बॉयज, तो थ्री बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बाय एट होगी ना, देखो ना, वन बाय टू And ये तीनों बॉयज होंगे तो फिर 1/3 नहीं करेंगे, 1/8, देखो कॉम्बिनेशन टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, इस मेथड से नहीं समझा रहा, लॉजिकली बता रहा, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 ये तीनों बॉयज, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, 4, 5, 6, 7,
सो मुझे चाहिए तीनों बॉयज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये वाला कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कितने हैं? एक ही कॉम्बिनेशन है। यस सर, ये और एक ही टोटल है, कॉम्बिनेशन कितने हैं? एट। तो 1/8। एट। अगर उसको उस तरीके से करो ठीक है जिस सर, तरीके से मैंने अभी कराया है तो तब भी हो सकता है। बॉय आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। अब तीनों बॉयज होंगे तो एंड रूल लगेगा। एंड रूल में क्या वन होता बाई है? एट एंड रूल में मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन। होता है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो गया? 1/8। आर रूल इसमें लगेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन ही यस है। सर, नहीं समझे? सर ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है ना। देखे वहां पे उसने कहा था प्रोबेबिलिटी टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स की है, हाँ तो जी, सर फिर बॉयज हम एंड अ इसके गर्ल। इंडिविजुअली 1/2 क्यों करेंगे? हम अभी कर रहे हैं कि सर तीनों बॉयज हों, हाँ तो अच्छा, वो सर अब 1/3 शाहजी नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। देखो, देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक तो सिंपल ये कि आपने कॉम्बिनेशन बना लिए। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? यस सर, आठ। एट। एट। अब उस मेथड को यस भूल जाओ, सर, इस वाले मेथड को भूल जाओ। अब सिंपल मेथड सिंपल बताने लगा हूं। क्या क्वेश्चन है? टू बॉयज एंड अ गर्ल इन द फैमिली, ठीक है। टोटल यस सर, कॉम्बिनेशन कितने हैं? एट। एट। कितने कॉम्बिनेशन में दो बॉयज और एक गर्ल आ रही है? दो बॉयज और एक गर्ल, सर तीन सर में, तीन तीन बाय एट। आठ। इस तरह देखो डायरेक्ट तो आंसर, ठीक और है, दूसरे तरीके से आंसर देखो। दूसरे तरीके से आंसर क्या आया था? सर उससे भी 3/8 आया हाँ था। ठीक है, वो मेथड अलग है, वो मैं तुम्हें एंड और रूल समझा रहा था, ठीक है। ये मेथड अलग है। सिंपल केस में समझ आती है, 3/8 के नंबर ऑफ सर पॉसिबल ये इवेंट्स। वाला अब मेथड, सर ये वाला मेथड मुझे समझ आ गया। मैं आपसे वो दूसरे वाले मेथड का पूछ रहा हूँ। देखें उसने कहा था कि 2 बॉयज और 1 गर्ल है, तब हमने केस किए, अब हम सिर्फ केस एक कर रहे हैं जिसमें तीनों बॉयज हैं, हाँ ठीक है, तो केस सर एक है, उसमें फिर 1/2 क्यों आएगा? 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। सर वो 1/8 आएगा, वो तो तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/8 हाँ, वन आएगा बाय टू ना। क्यों आएगा? मैं समझ गया, 1/2 क्यों आएगा। 1/2 इस तरह आएगा। देखो अब जो जी एंड जी और रूल में है ना, एंड और रूल की डेफिनेशन में ये था कि इंडिपेंडेंटली हर इवेंट को अलग अलग डील किया जाता है। अब ये केसेस थे तीन, तीन बॉयज तीन है ना, के केस मैंने पूछा कि तीन बॉयज होंगे, ठीक जी है। सर, हर हर एक को अलग अलग डील करो। चाइल्ड वन को अलग डील करो। चाइल्ड वन बॉय है तो क्या प्रोबेबिलिटी है बॉय आने की एक ही चाइल्ड में? 1/2, या बॉय हो सकती थी या गर्ल हो सकती थी। अब चाइल्ड टू यस में क्या सर, प्रोबेबिलिटी है? दोबारा 1/2। चाइल्ड थ्री की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोबारा 1/2, ठीक है। सेम। और एंड रूल ठीक लगेगा सर, ना इसमें, समझ आ क्योंकि गई। एंड रूल लगेगा क्योंकि हम तीनों यस बॉयज सर, चाह रहे हैं। एंड एंड लगेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, तो ये क्या बन गया? 1/8। सेम रिजल्ट, ठीक है उससे सर, भी और इससे भी। इसमें अब कोई मसला है तो पूछो। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन ये आता है ना यस आपका सर, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने डायरेक्ट 3/8 करना है। समझ आ गया ना कैसे? अगर मैं पेपर में मेंशन कर देता हूं कि यूज सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एंड 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 और रूल, तो फिर आपने ये मेथड करना है, जो इंडिविजुअल मेथड। समझे हो बात? बात समझ आई है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आता है फिर तो डायरेक्टली करोगे। अगर मैं पेपर में मेंशन कर देता हूं कि यूजिंग एंड एंड और